रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अशरफ हाशमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है बहुत अहम टॉपिक के साथ। और हमारा ये टॉपिक जो है वो कंपनी लॉ के हवाले से है, मर्केंटाइल लॉ के हवाले से है, कमर्शियल लॉ के हवाले से है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। सेक्शन 16 कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड इन पर्सुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वन ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। इट इज नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी। इट सेट्स आउट द limits outside which company can not go. Memorandum of association defines the constitution of the company. It contains the fundamental condition upon which a company is registered. Memorandum of association जो है ये दर हकीकत किसी भी कंपनी का आयन होता है, constitution होता है, जिसके framework में उसने काम करना, ये उसका बुनियादी ढांचा है, structure है। जिस तरह आईने पाकिस्तान है, जितने भी कवानीन बनेंगे वो आईने पाकिस्तान की उस ढांचे के लिमिट्स के अंदर अंदर रहकर बनेंगे। जो भी आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी होगी, जहाँ पे उसको क्रॉस किया जाएगा, वो लॉ जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, कानून बन ही नहीं सकता। इसी तरह जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो दर हकीकत किसी भी कंपनी का चार्टर है, उसकी अहम तरीन दस्तावेज़ है, जिसके पैरामीटर्स में रहकर वो बातें इसमें लिखी होती हैं कंपनी ने काम करना होता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इट डिफाइंस द लिमिटेशन एंड पावर्स। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच रेगुलेट द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जितने भी इसके मामलात हैं उसको करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। इसका मकसद क्या है जी? मेन पर्पज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू इनेबल शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु कंसर्न विद द कंपनी टू नो व्हाट इज परमिटेड रेंज ऑफ द एंटरप्राइज। यानी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम करने जा रहे हैं, जिसकी वो जॉब करने जा रहे हैं, जिसके वो शेयर खरीदने जा रहे हैं, जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, वो जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, वो जो ऑडिटर्स हैं, वो उस कंपनी के स्ट्रक्चर को समझ सकेंगे, इस कंपनी की जो लिमिट्स हैं वो क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी इन प्रिंटेड फॉर्म एंड डिवाइडेड इनटू वेरियस पैराग्राफ्स एंड साइंड बाय द प्रिस्क्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है और इसके ऊपर साइन होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिन्होंने तैयार किया होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी अमेंडेड बाय द पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द सेंक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको अमेंड करना मुश्किल होता है, तब्दील करना, लेकिन अगर इसे अमेंड करने की जरूरत पेश आ जाए तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है और फेडरल गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त लेती है। हमारा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जितनी भी कंपनीज काम कर रही होती हैं। टाइम प्लेस फॉर फाइलिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसे रजिस्ट्रार ने को फाइल करना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास देना होता है, उसे जो जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड होना होता है उस वक्त जब कंपनी हम रजिस्टर्ड करवाने जा रहे होते हैं। इसकी क्लासेस क्या हैं जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की? सबसे पहली क्लास नाम क्या है जी? दिस क्लास स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी। अ कंपनी मे सेलेक्ट एट एनी टाइम एनी नेम, सॉरी, बट इट शुड नॉट रिजेंबल द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। अच्छा, जब भी कंपनी कोई नाम चुनती है ना, जो ऑलरेडी पहले डाटा SECP के पास बना होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जिन्होंने कंपनी को रजिस्टर करना होता है, वो चेक कर लेते हैं डाटे में से कि ये नाम किसी और का तो नहीं है, रिजेंबलनेस तो नहीं है, तो फिर वो नाम अगर तो नहीं है किसी के साथ मिलता जुलता तो फिर उनको वो नाम अलॉट कर दिया जाता है, वरना उसे कहा जाता है जी आप कोई और नाम रखें।
The company's ordinance 1984 provides that the name of the company must end with the word limited. यानी कि कंपनी के नाम के आखिर में लिमिटेड का लफ्ज, सो डैट ऑल पर्सन डीलिंग विद द कंपनी मस्ट नो डैट देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स. पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. अगर वो कर्जा चढ़ जाता है बिजनेस के ऊपर, पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर या प्रोप्राइटर में, तो वो जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं या प्रोप्राइटर का जो प्रोप्राइटरशिप का जो मालिक है, उनको अपने जाती ससाजात बेचकर भी वो लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, उसकी रकम अदा करनी पड़ेगी. लेकिन ये जो है कंपनी में होता है कि शेयर होल्डर ने जितना सरमाया लगाया होता है शेयर खरीदे थे उसकी हद तक सिर्फ उसकी लाइबिलिटी है. अगर कोई लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो जिम्मेदार शेयर होल्डर नहीं होगा. अगर लॉस होगा तो उतने का ही होगा जितने उसने शेयर परचेज किए हुए हैं. रिस्ट्रिक्शन, एनी नेम मे बी चूजन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन. द वर्ड एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द पेट्रोनेज ऑफ एनी पाकिस्तानी और फॉरन हेड ऑफ स्टेट और प्रोफेशनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और एनी ऑफ देयर अथॉरिटी और कॉरपोरेशन कैन नॉट बी यूज. हुकूमत जो नाम इस्तेमाल करती है वो नाम नहीं लिया जा सकता. सच नेम कैन बी यूज विद द परमिशन ऑफ कमीशन. अगर कोई ऐसा नाम लेना भी है मिलता जुलता नाम, तो फिर SCCP से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. एग्जाम्पल ऑफ सच वर्ड एज रॉयल, इम्पीरियल, स्टेट, रिजर्व बैंक, म्यूनसिपल, चार्टर्ड. अगर ये वाले नाम हैं जो कि स्टेट इससे ज़ाहिर होती है, रियासत की अमलदारी ज़ाहिर होती है, इनकी इजाज़त नहीं है. अगर लेनी है तो नाम ये लेने हैं तो फिर स्पेशल इजाज़त लेंगे अगर वो इजाज़त मिलती है. द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट अपीयर ऑन एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ए कंपनी. वहाँ पे उसने लिखना है जी नाम, उनकी जो चेक्स पे लिखना है, बिल्स पे लिखना है, नोटिसेस पे लिखना है, एडवर्टीजमेंट जो भी कंपनी होगी वहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा. Change of name of the company. The name of the company can be changed at any time subject to the following condition. A special resolution. पहले भी मैंने अर्ज़ किया अभी. यहाँ तो special resolution होगी. Registrar से in writing approval लेंगे. Registrar इसको notify कर देगा और एक certificate issue करेगा. ये है पहली क्लास, नाम की क्लास. दूसरी क्लास है memorandum की situation clause. It is also known as domicile clause. The memorandum must state the name of the place of business of the company must have a registered office and its place must be notified to the registrar. इसका जो registered office है वो कहां पर company का होगा. Change अगर करनी है registered office की, then registered office of the company may be changed by passing a special resolution and obtaining the confirmation of the commission. यानी कि वही बात, अगर नाम चेंज करना है तो तब भी वही था पैटर्न. अगर हमने कंपनी ने अपना हेड ऑफिस चेंज करना है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में लेके जाना है, तो वो क्या करना है, उसकी एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी, स्पेशल करारदाद पास की जाएगी शेयर होल्डर्स की, और उसको फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कन्फर्म करवाया जाएगा. फ्रॉम टाउन टू टाउन इन द सेम प्रोविंस. अगर तो उसी सूबे में रखना है लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में करना है. द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी मे बी चेंज फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन विद इन द सेम प्रोविंस बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अ नोटिस टू द रजिस्ट्रार विदाउट एनी कन्फर्मेशन ऑफ द कमीशन. जब एक सूबे से दूसरे जो सूबे में लेके जाना, फिर तो कन्फर्म करवाना है कमीशन से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. लेकिन अगर उसी सूबे में रखना है लेकिन दूसरे शहर में लेके जाना है, सिर्फ इतला देनी है उसे कि हमने उसे शिफ्ट कर लिया ऑफिस को, और अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन अब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से पास करवा लेनी है. बड़ी अहम क्लास है जी तीसरी क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास. ऑब्जेक्टिव क्लास में जी द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द स्फीयर ऑफ कंपनी एक्टिविटीज, इट डिटरमाइंस एंड रिस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ द कंपनी. कंपनी ने का दायरा कार क्या, कंपनी ने काम किस तरीके से करना है. The object clause offer protection to the shareholder by ensuring them that amount collected for undertaking is not risked in any other taking. यानी कि जिस मकसद के लिए कारोबार के लिए उनसे पैसे shareholder से लिए जा रहे हैं उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होगा. The company can have any object provided that it is not contrary to law. जो object clause हो वो ऐसी ना हो जो मुल्की कवानीन के मुनाफी हो.
The company cannot do anything outside the power specified in the object class. जो मकासद उसने अपनी object class में लिखे हैं उससे बाहर company काम नहीं कर सकती. Effect, असर, anything so done is ultra-vires beyond the powers of the company and hence void. ऐसी कोई भी काम अगर वो अपने इख्तियार से बाहर करेगी तो उसे void समझा जाएगा, null and void समझा जाएगा. चौथी क्लास है जी लाइबिलिटी क्लास. द फोर्थ क्लास इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज स्टेटमेंट दैट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर परचेज बाय देम. जितने शेयर खरीदे होंगे उस हद तक ही उनकी जिम्मेदारी होगी. एक्सेप्शन मुस्तस्नियात के हैं जी. इफ हाउएवर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी बिलो 2, इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी बिलो 7 एंड द बिजनेस इज कैरीड ऑन फॉर मोर देन 6 मंथ देयर आफ्टर एवरी मेंबर हु नो दिस फैक्ट इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड. कैपिटल क्लास है जी अगली क्लास. द क्लास मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड द वे इन विच इट इज टू बी डिवाइडेड इन टू शेयर. कितना सरमाया होगा और एक शेयर की कितनी कीमत होगी ये बताया जाएगा. इफ इट इज प्रपोज टू बाय ऑन एन ओल्ड कंसर्न अगर किसी पुरानी कंपनी से कंपनी खरीदी गई है व्हाट सम इज वांटेड एज इट्स प्राइस एंड व्हाट इन एडिशन. द कैपिटल एज मैंशन इज कॉल्ड अथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल उसे रजिस्टर्ड या अथोराइज कैपिटल कहा जाता है जितना हम लिखते हैं उसमें. कैपिटल इज डिवाइडेड इन टू शेयर ऑफ ए सर्टन वैल्यू विच इज स्पेसिफाइड इन द कैपिटल क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल द अथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी शैल बी रुपीज 50 lakhs consisting of 50 lakhs को 5 lakh shares पर आया तो 10 rupees का एक शेयर है उसे तकसीम कर दिया. 10 rupees का शेयर है 10 पे तकसीम कर दें. Association and subscription. This clause contains a declaration by the subscriber that they are desirous of forming a company and agree to have number of shares written against their respective name. इस क्लाज में एक डिक्लेरेशन होता है सब्सक्राइबर की तरफ से कि वो कंपनी की फॉर्मेशन में के तमाम मामलात को मान रहे हैं. ई सब्सक्राइबर मस्ट साइन द मेमोरेंडम इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 witness हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर. इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इन टू पैराग्राफ एंड साइंड बाई द मेम्बर ऑफ द कंपनी. अजीज तलबा व तालबात, मोहतरम वकला साहबान, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से हमने बात की है. इसमें कंपनी का नाम, कंपनी का सदर मकाम हेड ऑफिस, कंपनी का सरमाया कितना होगा, कंपनी के मकासद क्या हैं, कंपनी की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं. गोया के जो एक फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन है ये, जिस तरह आयन है किसी मुल्क का कि इस तरह चलाया जाएगा मुल्क को, इसी तरह मेमोरेंडम भी आयन है ओवरऑल, जिसके छतरी के नीचे, जिसके शेल्टर के नीचे कंपनी ने चलना है, वो सारे हदूदो कयूद जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बयान किए जाते हैं. ये हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से थी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.